हाल ही में शुरू हुई हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र पर राज्यपाल के अभिभाषण पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे दिशाहीन और दशाहीन बताया, जिस पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, अब हुड्डा को कहीं भी दिशा नहीं दिखाई दे रही, उन्हें सब कुछ दिशाहीन दिखाई दे रहा है। अब लोगों ने ही उन्हें दिशाहीन कर दिया है, तो इसलिए उनको लग रहा है। जिस प्रकार से राज्यपाल का अभिभाषण था और अगली जो योजनाएं हैं वह उसी में लिखी गई हैं और इसी का महामहिम व्याख्यान कर रहे हैं, तो इन सब चीजों से स्पष्ट होता है कि सरकार ने 100 दिन में बहुत अच्छा कार्य किया है और आगे की जो योजनाएं हैं सरकार की वह भी बहुत कुछ करने जा रही हैं। देखिए, अब उनको कहीं दिशा दिखाई नहीं दे रही, उन्हें सब कुछ दिशाहीन दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों ने उनको ही दिशाहीन कर दिया ना, तो इसलिए उनको लग रहा है ऐसा कि दिशाहीन, जो जिस प्रकार से गवर्नर एड्रेस है और जिस प्रकार से अगली योजनाएँ जिस उसमें लिखी गई हैं सारी का जो व्याख्या महामहिम राज्यपाल जी ने की है, उनसे स्पष्ट है कि सरकार ने जो इन पिछले 100 दिन में भी जो काम किया और अगली जो योजना भी सरकार की है, तो बहुत कुछ करने जा रही है, हर क्षेत्र में बहुत कुछ करने जा रही है सरकार। और जिस प्रकार से प्री बजट जो चर्चा करी, वो पहली बार की किसी ने, आज तक पहले कभी नहीं की किसी ने, आज तक पूरे देश में किसी भी स्टेट में नहीं की। ये बहुत बड़ा विजन है माननीय मुख्यमंत्री जी का। इससे मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनमें से ज़्यादातर योजनाओं को हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, बजट में उनको स्थान देंगे, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि मतलब ऐसा चांस कोई मुझे बताओ तो सही ना, पूरे देश में कहीं ऐसा हो गया सत्ता पक्ष और विपक्ष को पूछ रहा कि भाई बताओ, आप बताओ क्या करना, मतलब ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कोई मुकाबला ही नहीं है इसका, कि इतना उदार सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष को भी पूछ रहा है कि भाई आप भी बताओ क्या करना चाहिए। क्योंकि मारा मानना है आज तक इस प्रदेश में जो राजनीति रही वो राजनीति इस प्रकार से रही कि जैसे दुश्मन हो दूसरी पार्टी, जो विपक्ष चुन के आया तो विपक्ष ऐसा लगा था जैसे दुश्मन हो। पहली बार कोई ऐसी सरकार आई जिसको लगता है कि विपक्ष हमारा दुश्मन नहीं है, वो भी इसी प्रदेश के लोगों ने चुन के भेजा और हम उनके सुझाव को भी लेंगे, क्योंकि हमारा सबका उद्देश्य एक ही है, हरियाणा की जनता के हित के लिए काम करना, तो हम उनका सुझाव लेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए 2-3 दिन का टाइम लगाया कि सबसे के सुझाव लिए और उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए हम प्रयास करेंगे। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी पूछा कि भाई संसाधन कहाँ हैं, पैसे कहाँ से आएंगे, इसका भी सुझाव आप दो। तो सब MLO ने उसके भी सुझाव दिए कि इसमें थोड़ा और पैसा बढ़ सकता है, इसमें पैसा, तो ऐसी सोच बनना, ये सोच ही बनना बहुत महत्वपूर्ण है कि सारे लोग बैठ के 90 के 90 जो विधायक हैं वो बैठ के इस प्रकार की योजना बनाएं कि हम अपने प्रदेश को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। ये विजन ही अपने आप में कमाल का विजन है, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ और जिन सभी विधायकों ने भी उसमें हिस्सा लिया, वो बधाई के पात्र हैं कि उन्हें हिस्सा लिया और अच्छे सुझाव दिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ना सुझाव दिया उसमें ना कोई दिया, अब पता नहीं उन्हें क्यों नहीं दिया ये तो वो जाने, लेकिन देना चाहिए था उन्हें। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, YES TV। इसी प्रकार की अन्य खबरों को जानने के लिए बने रहिए YES TV के साथ।